कल की ये मूवी इतिहास बनेगी या इतिहास बन जाएगी। कल्की का क्रेज हद से ज्यादा खतरनाक है, नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द कंट्री, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका एंड कनाडा। और भारत में इतने ह्यूज बजट पे बनने वाली फर्स्ट डिस्टोपियन मूवी है कल्की। कल्की के दोनों ही ट्रेलर खतरनाक लेवल की वाइब दे चुकी है, जहाँ पे ऑडियंस इस मूवी को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है और दूर दूर तक कोई भी कंपटीशन नजर नहीं आ रही है। मतलब कोई मूवी को सक्सेसफुल होने के लिए जो मौका चाहिए वो मौका कल्की के पास है। इस वीडियो में हम कल्की मूवी के कुछ शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। नंबर वन, इस मूवी में टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट इंक्लूड है, ए पॉसिबिलिटी है जो दीपिका पादुकोण मतलब सुमिति या फिर पद्मा के गर्भ में बच्चा है वो भैरवा है, और भैरवा फ्यूचर से खुद को ही खत्म करने पास्ट में आया है, और अश्वत्थामा उस बच्चे को बचाने के लिए भैरवा से लड़ाई कर रहा है। फिर कोई सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगे जब भैरवा को पता चलेगा कि ये बच्चा मैं ही हूँ, उसके बाद वो यास्किन से लड़ाई करेगा और हमें देखने को मिलेगा द ग्रेट वॉर बिटवीन सच्चाई और बुराई। नंबर टू, अमिताभ बच्चन को किसी ने हाथियों के ऊपर फेंक दिया है, संभव है वो पांडव में से कोई एक है, स्पेशली भीम। नो डाउट ये वाला सीन महाभारत का है, क्योंकि जिस हिसाब से मुर्दों का ढेर लगा है, फ्लैक्स जो दर्शाती है एक पर्टिकुलर सेना को, रथ भाला तीर, उससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इतनी सारे लाशें महाभारत जैसे युद्ध में ही बिछाई जा सकती है। नंबर थ्री, ट्रेलर के स्टार्टेड सीन को लेके एक कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी। कल्की के सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन काफी कॉन्ट्रोवर्सी में रही है। पहले डून फ्रेंचाइज और मैड मैक्स फ्यूरी रोड से कॉपी बताया जा रहा था, और अब एक साउथ कोरिया का आर्टिस्ट है सुंग चॉय, जिसने मार्वल डिज्नी वार्नर ब्रदर और नेटफ्लिक्स एनिमेशन के लिए काम किया है। इस बंदे ने ये आरोप लगाया है कि कल्की के मेकर्स ने बिना इसके अप्रूवल के उसके आर्ट्स वर्क को चुरा लिया और एक चवन्नी भी नहीं दिया। नंबर फोर, प्रभास मतलब भैरवा अपनी जिंदगी में पहली बार कोई सुपर हीरो का रोल करने जा रहा है, वो भी ह्यूमरिस्टिक अंदाज में मतलब कॉमेडी में। और एक रिसेंट इंटरव्यू में प्रभास ने बताया कि मैं इसके लिए भाई साहब थोड़ा सा डरा हुआ और थोड़ा एक्साइटेड भी। नंबर फाइव, सुप्रीम यास्किन जो भगवान बनना चाहता है, जो कली है, जो कलयुग का राजा है और इसके पास खतरनाक लेवल की शक्तियां हैं। इसके टकले में जो लाइट आप देख रहे हो वो कोई मामूली लाइट नहीं है, बल्कि कंट्रोल कर सकता है होल यूनिवर्स, और काल मीन्स टाइम और एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है, और अननोन पावर्स। ये बंदा कई सदियों से जिंदा है, वो भी दूसरों को मार के, स्पेशली बॉर्न बेबीज। जिस हिसाब से इसका चेहरा है वो दर्शाता है कि इसने अब तक हजारों युद्ध लड़े होंगे। नो डाउट ये सीन त्रेता युग का है, और ये सीन काफी सस्पेंस से भरा है, क्योंकि इसके गर्भ में किसी ने हमला कर दिया है। अब ये कौन है वो देखने वाली चीज होगी, लेट्स प्रेडिक्ट अश्वत्थामा या फिर यास्किन। इस पूरे ट्रेलर में एक चीज कॉमन है, गर्भवती महिलाएं और उनका बच्चा, होप कुछ भयंकर कॉन्सेप्ट हो। नंबर सिक्स, इस मूवी का टोटल बजट 600 करोड़ है, और सोर्सेस ये एस्टिमेट कर रही है कि इस मूवी का डे वन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 200 करोड़ होगा। दो दिन में इस मूवी ने 16.2 करोड़ की एडवांस बुकिंग की है। ये मूवी 2D, 3D और IMAX 3D में अवेलेबल है, सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट कि आप किसमें देखने जा रहे हैं। नंबर सेवन, अकॉर्डिंग टू भारतीय पुराण, कल्की नारायण भगवान का 10वां अवतार। जिस तरह श्री कृष्ण को जन्म लेते समय उनके माता पिता को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, उसी तरह यहाँ पे कल्की भगवान को भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, साथ ही उनके माता को भी मतलब सुमति को भी। नंबर एट, प्रभास ने इस मूवी के लिए 150 करोड़ चार्ज किया था, बट उसने अपना अमाउंट 70 करोड़ से घटा दिया। मतलब रेवल स्टार ने इस मूवी के लिए मात्र 80 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। एक रिसेंट इंटरव्यू में कमल हसन ने बताया इस मूवी में वो पूरी तरह से बैड कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं, और द ग्रेट यास्किन का मतलब कली का एक कैरेक्टर कुछ इस प्रकार का कैरेक्टर है, जिसे करने के बाद वो खुद शॉक्ड हो गए थे। सो ये मूवी 27th को रिलीज हो रही है, और मेरे ख्याल से ये मूवी लिटरली बॉक्स ऑफिस में झंडा गाड़ देगी। सो होप गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, शुक्रिया।